नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज में। मैं हूं अमृत सेन और आप देख रहे हैं मन की आवाज़ न्यूज। आइए हम बताते हैं आपको, रेवदर उपखंड क्षेत्र और रानीवाड़ा उपखंड क्षेत्र के आसपास से आलू बटाके की अच्छी फसल हुई है। बम्पर फसल के बाद में किसान अपनी फसल को गुजरात की मंडियों में बेचने के लिए मजबूर है। आपको बताते हैं कि पिछले कई सालों से ये मांग रही है कि हमारे क्षेत्र में मंडी हो, लेकिन मंडी नहीं बन रही है। इसलिए जो भी पैदावार हो, मूंगफली हो, आलू हो, गुजरात की मंडियों में बेचने के लिए किसान मजबूर है, क्योंकि देवदर और रानीवाड़ा ब्लॉक गुजरात का सीमावर्ती ब्लॉक होने की वजह से किसानों को वहाँ जाने में सहूलियत रहती है, समय पर दाम मिलते हैं और फसल भी समय पर बेची जा सकती है, क्योंकि उसे भंडारण करना, स्टॉक करना किसान के बस में नहीं होता है। देखिए किस तरह से किसान मंडी में ले जाने के लिए अपने पिकअप वैन, ट्रैक्टर, वाहन आदि भरकर ले जा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ में ऐसी ही सामाजिक सरोकार और जनता के हित की खबरों के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।